और अगर आज शाहजहां जिंदा होते तो ये दो ही लाइन कहते। हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो भाई लोगों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज शुरुआत हो रही है अपनी रोड ट्रिप की। जी हाँ, जैसे कि मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था, सुबह के इस टाइम 4 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं अपनी रोड ट्रिप के लिए। ठीक है, फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। आपको मिलता हूँ मैं चुटकी बजा के फटाफट गाड़ी के अंदर। तो भाई लोगों, जैसे बोला था, चुटकी बजा कर फटाफट आ चुके हैं गाड़ी में। जी हाँ, और अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और टाइम आपको दिख ही रहा होगा कितना हो रहा है, 4:09 हो रहा है। और चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, ज़्यादा सस्पेंस है नहीं। हम जा रहे हैं आगरा। जी हाँ, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा, जो भी देखना होगा चलते हैं, एंजॉय करते हैं। एक दिन का ट्रिप होने वाला है, आप बाकी इसे देखते हैं, अगर आराम से घूम पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सटेंड कर लेंगे। तो एक बार जयकारा लगा देते हैं। बोलो श्री अम्बे मात की जय, और स्टार्ट करते हैं इस रोड जर्नी को। बने रहिए व्लॉग में। भाई लोगों, फाइनली सुबह हो चुकी है, ठीक है, और थोड़ी देर में होने वाला है सनराइज। जी हाँ, थोड़ी देर में सनराइज होने वाला है। और ये अभी मैसेज आया है पेटीएम का, क्योंकि मेरा टोल टैक्स कटा था, ये दूसरा टोल टैक्स है इस वाली रोड पे, और मैं होटल क्रॉस कर चुका हूँ, कोसी एंटर कर चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे ही सनराइज होता है आपको इंजॉय कराते हैं ब्यूटीफुल सनराइज। भाई लोगों, फाइनली अपडेट क्या है, जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं वृंदावन गोवर्धन, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल तो निकले कहाँ, आगरा जाने के लिए। तो अभी क्या बोलते हैं, बाके बिहारी लाल की जय, और आगे चलते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सनराइज़ अभी हुआ ही नहीं यार, ऊपर क्लाउड्स इतने ज़्यादा हैं तो मैंने आपको दिखाया भी नहीं। चलो जैसे होता है वैसे दिखाते हैं। आई होप ताजमहल पहुँच जाएंगे तब होगा, और वहाँ का सनराइज़ देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो देखते हैं, जैसे ही सनराइज होता है आपको दिखाते हैं। तो भाई लोगों, फाइनली अपडेट ये है, टाइम हो चुका है 6:13, और आगरा यहाँ से रह गया है, मतलब ताजमहल जो डेस्टिनेशन मैंने डाली है वो है 41 किलोमीटर, और सामने है अपने टोल टैक्स, और ये इस रूट का तीसरा टोल टैक्स है। ठीक है, अगर आपको टोल टैक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने का टोल टैक्स लगता है, या आगरा ताजमहल की टाइमिंग क्या है, या उसकी टिकट्स कहाँ से मिलती हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक अगली वीडियो और बना दूंगा इसके लिए। ठीक है, बने रहिए व्लॉग में, लाइक करो और शेयर कर दो। अभी से ही पहुंचने वाले हैं ताजमहल देखने। फाइनली पहुंच चुके हैं ताजमहल की पार्किंग में। जी हाँ, वेस्ट गेट से हमने एंट्री करी है, 100 रुपये पार्किंग शुल्क है। ठीक है, और टाइम लिमिट कुछ है नहीं, तो फटाफट गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं अंदर। और बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत तो रुक जाए यार, घूम लेंगे ना। तो पार्किंग में सबसे पहले गाड़ी खड़ी करने के बाद भाई चाय पीने की तलब लगी थी, और ये सुबह सुबह अंकल जी वहाँ पार्किंग में ही थे, उनसे चाय बनवा ली है, और ये 2 मठियाँ भी ले ली हैं और इन्जॉय करते। और यहाँ आरू भी उठ चुकी है। आरू होगी नीना पूरी, हाँ क्या दिखाओगी, टीपी होगी। फाइनली अपनी गाड़ी पार्क कर दी और चाय भी पी ली है। ठीक है,
अब अपन रेडी हैं बिल्कुल ताजमहल के अंदर जाने के लिए। ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें रोड ट्रिप भी थी और ताजमहल भी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। गेट में गाड़ी खड़ी करने के बाद हम आ गए ईस्ट गेट पे, क्योंकि वहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी होती है, इस वाली गेट पे लाइन कम होती है, तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, चलते हैं एक बार अंदर, फिर आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो फाइनली ताजमहल के अंदर आ चुके हैं और वेदर देख रहे हो क्या बढ़िया वेदर हो रखा है, इसे बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग आने की। इतना बढ़िया मौसम मिल रहा है, ऊपर बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की ड्रेनिंग मतलब ड्रिजलिंग हो रही है, ड्रेनिंग ड्रिजलिंग हो रही है और मज़ा आ रहा है, मतलब बिल्कुल गर्मी लगी नहीं रही है। चलो एक्सप्लोर करते हैं इसे। और ये हमारे पीछे है ईस्टर्न गेट, जी ताजमहल का ईस्टर्न गेट जिससे हमने एंट्री ली है, और इसके सामने बिल्कुल आप देखोगे खूबसूरत, जी हाँ, मुग़ल टाइम का सबसे खूबसूरत इमारत आप इसको बोलते हैं ताजमहल। और फाइनली अपने पीछे जी ताजमहल। और आरू को कैसा लग रहा है ताजमहल में आके, कैसा लग रहा है? इसका मुंह ना बना हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना गिर गई थी, देख के चलती नहीं है यार, हाथ पकड़ो इसका तो छुड़ा लेती है, एटीट्यूड है ना इसके अंदर भी, तो गिर गई थी और उसी वजह से मुंह बनाया हुआ है। चलो इसका मूड सही करते हैं थोड़ी देर में और आप इंजॉय करिए तब तक वीडियो को। फाइनली हम ताजमहल के ऊपर मकबरे की तरफ आ चुके हैं, जो मेन मकबरा है वो इस ताजमहल के अंदर है, और यहाँ की टिकट 200 रुपये की अलग से है और नॉर्मल टिकट 50 रुपये की है,
जिसमें आप बाहर बाहर से ताजमहल को देख सकते हैं। अगर आपको मेन गुंबद मकबरा उसमें जाना है तो 200 रुपये की टिकट अलग से लगेगी। और यहाँ शूज़ अलाउड नहीं है, शू कवर पहन के आप जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने शू कवर ले लिए थे जहाँ गाड़ी पार्क करी थी, फटाफट पहनते हैं और अंदर चलते हैं। एक बार अपनी टिकट को फिर से स्कैन कराने के बाद, यहाँ पे हवा चल रही है, पता नहीं आपको आवाज़ कितनी आए ना आए, स्कैन कराइए। यहाँ पे एक बार दोबारा टिकट स्कैन होती है, उसके बाद हम आ चुके हैं अंदर मेन मकबरे की तरफ, ठीक है। और आरू से पूछते हैं उसका मूड सही हुआ नहीं हुआ। आरू मूड सही हो गया? सही हो गया मूड? हंस के दिखाओ फिर। और कैसा लग रहा है ताजमहल, कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा। चलो आरू की हमने ढेर सारी फ़ोटो खींची है, अगर फ़ोटो देखनी है तो इंस्टाग्राम पे चले जाइए, लिंक नीचे आ रहा है। और आज के इस रोड ट्रिप पे या ताजमहल वाली ट्रिप पे सबसे बढ़िया पता क्या है, ताजमहल भी इतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया ये मौसम है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ताजमहल को मैं 10 नंबर दूँ तो मैं इस मौसम को कम से कम 20 नंबर दे दूँ। मज़ा ही आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। चलो अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ शायद फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं वीडियो बनाऊँगा नहीं, ठीक है। एंट्री कर लेते हैं। और ये मेरे सामने है मेन मकबरा, और आप ये देख रहे हैं साइड में, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये अरबी में आयतें लिखी हुई हैं इसके ऊपर। अब मुझे तो अरबी समझ नहीं आती, जिन लोगों को समझ में आती हो तो ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। और ये ताजमहल का दूसरा दरवाज़ा या दूसरा गेट, एक इधर है, ऐसे चारों गेट हैं। ईस्ट गेट से हमने एंट्री ली थी जो हमारे बिल्कुल पीछे है ये वाला, और हमारी गाड़ी खड़ी हुई है वेस्ट गेट पे, ठीक है। अंदर चलते हैं, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो फोटोग्राफी नहीं करेंगे। तो फाइनली हम अंदर मेन मकबरा जो है उसे देखकर आ चुके हैं बाहर। और ये देखिए शानदार मौसम के साथ साथ एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, क्या? यमुना रिवर। जी हाँ, ये वही यमुना रिवर है जिसके आसपास पूरा आगरा शहर या ताजमहल बसा हुआ है। और क्या सुंदर व्यू आ रहा है, आप देखिए इस व्यू को, क्या सुंदर व्यू आ रहा है। तो मकबरे से बाहर निकल चुके हैं, जी हाँ, खूब अच्छी तरीके से देखा उसे। और अगर आज शाहजहाँ जिंदा होते तो ये दो ही लाइन कहते मुमताज़ के लिए, जी हाँ, जो मैं कहने वाला हूँ कि मोहब्बत सुकून की कहानी है, मोहब्बत सुकून की कहानी है, ये ताज मेरी मुमताज़ की निशानी है, ठीक है। आए यहाँ इंजॉय करें। ताज को बोलते हैं बाय बाय, ठीक है। आगे चलते हैं रेड फोर्ट की तरफ और उसके बाद आगे निकलेंगे, कहाँ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। भाई लोगों, फाइनली पार्किंग में आ चुके हैं। लाल किला आपने देखा होगा थोड़ा सा, उतना थोड़ा ही हमने देखा है, जी हाँ। क्यों देखा है? क्योंकि हमारे साथ वाले जो को व्लॉगर हैं या को पैसेंजर हैं या साथी बोल सकते हो, वो ताजमहल घूमने में थक गए। साथी जो साथ में चलता है वो क्या, ताजमहल घूमने में थक गए, अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर आपको लाल किला, हाँ पापा बात करें, अगर आपको लाल किला मतलब आगरा फोर्ट देखना है तो मुझे कमेंट कर देना, चाहे मुझे अकेला आना पड़े मैं आपको दिखाऊंगा जरूर,
ठीक है, फिलहाल अब यहाँ से पहले लंच करेंगे, उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ चलना है। ठीक है, इस व्लॉग में इतना ही, आगे जा रहे हैं कहीं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं फटाफट।